बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे व्हाट्सएप में हम अपने दोस्त रिश्तेदार गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहे हैं या अपने बॉयफ्रेंड से या किसी पति से या हस्बैंड से चैटिंग कर रहे हैं, बट हमारा व्हाट्सएप हैक हो चुका होता है। हमें पता ही नहीं होता कि जो हमारा पर्सनल मैसेज है, वीडियोज है, फोटोज है, वो कोई और के पास ना चला जाए, इस बात का डर रहता है। अगर आपके अंदर भी ये डर है तो दोस्तों आप कैसे चेक कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप को, और अगर ऐसा है तो आप लोग कैसे हटा सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप को, आज की मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि दोस्तों व्हाट्सएप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम व्हाट्सएप पर जरूर, कोई ऐसी व्यक्ति जरूर होगा जिससे हम कुछ पर्सनल चैटिंग करते हैं, हम नहीं चाहते कि वो चीजें किसी थर्ड व्यक्ति को पता चले। तो अगर आप भी ऐसे हैं तो सावधान हो जाए, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ये केसेस देखने को मिल रहा है कि हमारा व्हाट्सएप हैक हो जा रहा है, हमें पता ही नहीं चलता। दोस्तों कभी आपने किसी को फोन दिया या गलती से या ओटीपी से, बहुत ऐसी तरीके से, तो हमें पता नहीं चलता। इसीलिए इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए, क्योंकि कंप्लीट बताने वाला हूं मैं आज की इस वीडियो में कि आपका व्हाट्सएप हैक है या नहीं, अगर हैक है तो उसको कैसे हटा सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप को, और ऐसा कौन सी सेटिंग ऑन कर ले अगली बार कुछ भी ऐसा देखने को ना मिले। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है हर एक व्हाट्सएप यूजर के लिए, स्मार्टफोन यूजर के लिए। चलिए बताता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे। दोस्तों साइड की स्क्रीन में मैंने यहाँ अपना व्हाट्सएप ओपन कर लिया है। दोस्तों आजकल व्हाट्सएप से यूपीआई भी हो रहा है, तो आपको और ज्यादा सावधान रहना है। अगर आप किसी से चैटिंग नहीं भी करते पर्सनल से, फिर भी आपको सावधान रहना, नहीं तो आपके बैंक के अकाउंट पैसे छू गायब हो सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं बट हमें कुछ सेटिंग्स के बारे में पता ही नहीं होता, जिसके बारे में 2023 में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। दोस्तों पहला क्या सेटिंग्स है, आपको जो मैसेज है वो कोई थर्ड व्यक्ति छुपके से, बस समझ जाइए। तो उसके लिए क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख रहा होगा 3 डॉट। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जिससे आजकल बहुत ज़्यादा लड़कियों के ये खासकर सावधान रहना है। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इसमें एक ऑप्शन दिख रहा होगा लिंकिंग डिवाइस। देखिए दोस्तों कुछ ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा, यहाँ पे लिंकिंग डिवाइस है, यहाँ पे टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद दोस्तों अगर आपका व्हाट्सएप कुछ इस तरह से आ रहा है तो आपको बेफिक्र रहना है, आपका व्हाट्सएप में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा नहीं आ रहा है, यहाँ पे दोस्तों विंडो बना हुआ आ रहा है, अदर विंडोज बना हुआ आ रहा है, जैसे कि देखिए अगर कुछ इस तरह से ऑप्शंस आ रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरा ये व्हाट्सएप कोई ये मैसेज देख रहा है, ओके नाम से लिखा हुआ लास्ट एक्टिव, मतलब यस्टरडे रात को 10 बजे इसने मेरा ये व्हाट्सएप चेक किया है। अगर ऐसा आ रहा है टाइमिंग्स बना हुआ, तो दोस्तों आपको तुरंत सावधान रहना है। मैं बताऊंगा कैसे हटा सकते हैं, बाकी अभी तरीके जानते हैं। तो दोस्तों ये थे पहला तरीका जिससे आपको हरदम सावधान रहना है, सतर्क रहना है। ये कहाँ पे मिलेगा सेटिंग्स, मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, लिंकिंग डिवाइस में जाकर चेक कर लेना है सिंपली। अगर अब इसमें चलते हैं दोस्तों दूसरा सेटिंग्स की तरफ, जिससे आपको पर डे चेक करना है। यहाँ पे दोस्तों 3 डॉट दिख रहा होगा, आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा अकाउंट, फर्स्ट है अकाउंट, हम इस पर टैप करेंगे। इस पर टैप करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो, मतलब इस अकाउंट का इन्फॉर्मेशन यहीं पे है। अगर यहाँ पे टैप करेंगे, अगर कुछ इस तरह से ऑप्शन आ रहा है रिक्वेस्ट रिपोर्ट, तो आपका व्हाट्सएप सेफ है। अगर यहीं पे अगर दोस्तों अब यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए अगर कुछ इस तरह से ऑप्शन आ रहा है रिक्वेस्ट सेंड, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो आपका व्हाट्सएप प्रॉब्लम में है, आपका पर्सनल चैट कोई और, मतलब समझ जाइए बस। ठीक है दोस्तों, एक और सेटिंग्स जान लीजिए दोस्तों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जाना है दोस्तों आपको, उसके बाद 3 डॉट पे जाना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा चैट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जाना है चैट्स में। चैट्स में जाने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे चैट बैकअप। जी हाँ दोस्तों, आपको चैट बैकअप पे टैप करना है। चैट बैकअप पे टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि गूगल अकाउंट में यहाँ पे कौन सा ईमेल आईडी डला हुआ है, जो ईमेल है इसके अंदर वो आपका है या नहीं, कहीं और तो चैट बैकअप तो नहीं जा रहा है किसी और पे। तो दोस्तों प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिक्कत हो सकती है अगर आपका यहाँ पे मेल आईडी आपका नहीं है। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक मेल आईडी दिख रहा होगा, यो गूगल अकाउंट में मेरा मेल आईडी है, आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, प्रॉपर पर डे चेक करना है, प्रॉपर चेक करना है, काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है दोस्तों ये। अब हम जानते हैं कि अगर इन तीनों में से कोई सा भी चीज है तो आप लोग इनसे बच कैसे सकते हैं, इसको हटा कैसे सकते हैं। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरा ध्यान से देखना है। तो दोस्तों इसमें पहला सेटिंग्स क्या था, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, लिंकिंग डिवाइस पे जाएंगे।
अगर यहाँ पे कुछ विंडोज बना हुआ रहा है तो आखिर आप कैसे हटा सकते हैं इसको। तो दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, अगर इस तरह से ऑप्शंस आ रहा है आपके में तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे उस व्यक्ति का लोकेशन भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो आप तो देख भी सकते हैं। नहीं तो अगर हटाना है तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना, रिमूव डिवाइस, यहाँ पे रिमूव कर देंगे। अब इसमें से ये रिमूव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये था दोस्तों पहला सेटिंग जिसे आप कैसे हटा सकते हैं। अब जानते हैं हम दूसरा सेटिंग्स की तरफ। जी हाँ दोस्तों देखिए दूसरा सेटिंग्स है दोस्तों, 3 डॉट पे जाके सेटिंग्स में जाके अकाउंट में जाना है, यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे टैप करना है। अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शंस आ रहा है 3 दिन बाद रिपोर्ट आ जाएगा, तो वहाँ पे क्या करना है, लॉन्ग प्रेस करके रखना है। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ रहा हो डिलीट का, तो आप लोग डिलीट कर दीजिए, सिंपली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, आपका मतलब व्हाट्सअप सेफ हो जाएगा। उसके बाद जानते हैं थर्ड, आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे चैट्स में जाना है, चैट बैकअप में जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, गूगल अकाउंट। जी हाँ दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अगर इसको कैसे हटाना है, अगर आपका ये नहीं है तो इसको कैसे हटा सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे टैप करके रखेंगे तो यहाँ पे अदर गूगल अकाउंट का ऑप्शन आएगा, दूसरा ईमेल आईडी इसमें ऐड कर दीजिए तो ये रिमूव हो जाएगा। हर एक जगह से आप अपना व्हाट्सएप को सेव कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का वीडियो था दोस्तों। अब इन सबसे बच कैसे सकते हैं आप, तो उसके लिए भी देखिए दोस्तों क्या करना है आप लोगों को, अपना यहाँ पे सेटिंग्स ओपन करना है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अकाउंट का, आपको अकाउंट पे जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सिक्योरिटी नोटिफिकेशन, कमाल का नोटिफिकेशन है, इसको जरूर आप लोग इनेबल रखें। यहाँ पे जाके ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये आप लोग इसको जरूर इनेबल रखें। यहाँ से देखिए कोई भी दिक्कत आएगी इन सब चीज़ में, कि कोई फोटो वीडियो, आपको डॉक्यूमेंट, लोकेशन, सेंड मैसेज, सब चीज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है दोस्तों। एक और सेटिंग, आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर कंप्लीट रखना है अपने व्हाट्सअप के अंदर, जरूर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर ले। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि कल एक भाई का कॉल आया कि उनका व्हाट्सअप का जो मैसेज था वो कोई और, समझ जाइए आप, मतलब उनको पता ही नहीं था 2 महीने से। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों। इस वीडियो का आप लोगों का काम है ज्यादा लोगों के पास शेयर करना, जिससे ये इन्फॉर्मेशन सभी को, सभी तक पहुंच पाए। जो मेरी वीडियो नहीं भी देखते हैं उनको भी पता चल पाए। तो बस आप अपने व्हाट्सएप के हर एक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी हेल्प चाहते हैं, तो आप लोग सीधे टेक्निकल गोविंद इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं, कमेंट तो कीजिए वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग डायरेक्ट सीधे टेक्निकल गोविंद इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे कौन ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, जब तक बंदे मात्र।